मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 47 इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. स्टूडेंट्स, नाउ पे अटेंशन हियर. पार्ट सी, ग्रामर. शैल एंड विल. एस एच ए डबल एल शैल, डब्ल्यू आई डबल एल विल. शैल एंड विल. लुक एट द गिवन चार्ट स्टूडेंट्स. So today I will teach you where we have to use shall and where we have to use will. हमें shall कहाँ पे रखना होता है और will कहाँ पे रखते हैं वो हम आज सीखेंगे. ओके, वन, किसी वन थिंग के साथ हम यूज करते हैं. I के साथ क्या आएगा? Shall. I shall. Then you will. You के साथ क्या यूज करते हैं हम? Will. He will. She will. It will. Students, किसी एक चीज के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं तो I के साथ हम क्या यूज करते हैं? Shall. और you, he, she, it के साथ क्या आएगा? Will. और यहाँ पे many, more than one. जब एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं तो क्या आएगा? We के साथ क्या आएगा? Shall. We के साथ क्या यूज करते हैं हम? We shall. और यू के साथ यू विल, दे विल. तो स्टूडेंट्स, आपको क्या याद रखना है कि आई और वी के साथ हमेशा क्या यूज होता है? शेयर. और यू, ही, शी, इट और दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? विल. ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नंबर वन, वी शैल गो टू द सर्कस नेक्स्ट वीक. वी के साथ क्या यूज किया है यहाँ पे? शैल. ओके, वी शैल गो टू द सर्कस नेक्स्ट वीक. हम सर्कस कब जाएंगे? नेक्स्ट वीक. ओके, नंबर टू, सिमरन विल राइट अ लेटर टू कमल टुमारो. यहाँ पे एक ही लड़की की बात की गई है, सिमरन. तो यहाँ पे क्या यूज किया है? विल. सिमरन विल राइट अ लेटर टू कमल टुमारो. ओके, वी राइट शैल और वी राइट शैल और विल टू टॉक अबाउट एक्शंस इन फ्यूचर टाइम. हम शेल और विल का यूज कब करते हैं? फ्यूचर टाइम के एक्शंस के बारे में हम बात करते हैं तब हम शेल और विल यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट वीक हम सर्कस जाएंगे और यहाँ पे क्या है? कल सिमरन कमल को लेटर लिखेंगी. तो यहाँ पे हम फ्यूचर के एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया है? शेल और विल. नाउ पे अटेंशन हियर. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ shall or will at the given verbs. Sentence one is done for you. Students, यहाँ पे आपको shall और will का use करके ये blanks complete करनी है. यहाँ पे brackets में उसके verbs दिए गए हैं, close, wear, wash, play and cook. Number one, students, you have to write the exercise with me in your textbook. Number one, it is raining outside. I blank my raincoat. स्टूडेंट्स, तो आई के साथ क्या यूज करते हैं हम? शैल. तो यहाँ पे क्या आएगा? आई शैल वेयर माई रेनकोट. नंबर टू, अरुण एंड डेविड ब्लैंक फुटबॉल फॉर द स्कूल. अरुण और डेविड है तो इसके साथ क्या आएगा? वो मैनी है, एक से ज्यादा है. तो यहाँ पे क्या आएगा? विल प्ले. अरुण एंड डेविड विल प्ले फुटबॉल फॉर द स्कूल. नंबर थ्री, The dishes are dirty. We blank them this evening. तो यहाँ पे क्या आएगा students? We के साथ क्या आएगा? Shall. So write down here. We shall wash them this evening. Number four. It is windy. Blank I blank the window. Students, हम I के साथ क्या use करते हैं? Shall. तो यहाँ पे क्या आएगा? Shall I close the window? It is windy. Shall I close the window? Last number five. Samira is feeling hungry. Mother blank food for her. यहाँ पे क्या आएगा? Mother है तो क्या आएगा? Mother will cook food for her. Samira is feeling hungry. Mother will cook food for her. Students, now turn your page. D part, writing. Writing sentences. My birthday. Complete the sentences using words from the box. Add will or shall wherever necessary.
स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं और यहाँ पे ब्रैकेट्स में बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसका यूज करके आपको ये ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, ओके। और जहाँ पे विल और शेल आएगा वहाँ पे उसको रखना है। यहाँ पे ब्रैकेट्स में वर्ड है मेक, हैंग, हेल्प, ब्लो, बी, बैक, कट, क्लैप, विल। यहाँ पे विल का हमें कितने टाइम यूज करना है, 4 times, शेल का 6 times और प्लेस का 2 times यूज करना है, ओके। नंबर 1, माई नेम इज ब्लैंक। स्टूडेंट्स हियर यू हैव टू राइट योर नेम, यहाँ पे आपको आपका नेम लिखना है, ओके। नंबर 2, टुमोरो इज माई बर्थडे, आई शैल बी 6 years old। आई के साथ क्या आएगा, शैल, आई शैल बी 6 years old। सो राइट डाउन हियर शैल एंड बी, आई शैल बी 6 years old। नंबर 2, सॉरी नंबर 3, मदर ब्लैंक ब्लैंक बलून्स एंड ब्लैंक इन द ड्राइंग रूम। मदर के साथ क्या आएगा स्टूडेंट्स, विल, मदर विल हैंग, एच ए एन जी हैंग। सो राइट डाउन हियर हैंग, मदर विल हैंग बलून्स एंड स्ट्रीमर्स इन द ड्रॉइंग रूम। सो राइट डाउन हियर एस टी आर आई एम एम ई आर एस स्ट्रीमर्स इन द डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी आर डबल ओ एम ड्रॉइंग रूम। मदर विल हैंग बलून्स एंड स्ट्रीमर्स इन द ड्रॉइंग रूम। नंबर 4, शी ब्लैंक ब्लैंक सैंडविचेस एंड चिप्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी विल, सी के साथ क्या आएगा, शी विल मेक सैंडविचेस एंड चिप्स। नंबर 5, शी ब्लैंक ब्लैंक अ बर्थडे केक टू फॉर मी एंड आई ब्लैंक ब्लैंक हर मेक ब्लैंक। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी विल बेक अ बर्थडे केक टू फॉर मी एंड आई शैल हेल्प हर मेक लेमनेड। ये क्या है स्टूडेंट्स, लेमनेड। सो राइट डाउन हियर विल बेक शैल हेल्प एंड लेमनेड। नंबर 6, वी ब्लैंक ब्लैंक द पेपर प्लेट्स पेपर ग्लासेस पेपर नैपकिन्स एंड स्पून्स ऑन द ब्लैंक। तो यहाँ पे वी के साथ क्या आएगा, विल प्लेस। सो राइट डाउन हियर पी एल ए सी ई प्लेस, वी विल प्लेस द पेपर प्लेट्स पेपर ग्लासेस पेपर नैपकिन्स एंड स्पून्स ऑन द, यहाँ पे क्या आएगा, डाइनिंग टेबल। ये क्या है, डाइनिंग टेबल। सो राइट डाउन हियर डी आई एन आई एन जी टी ए बी एल ई डाइनिंग टेबल। नंबर 7, Then we blank blank 10 chairs around the tables. तो यहाँ पे क्या आएगा, Then we shall place the 10 place 10 chairs around the table. Number 8, Tomorrow I blank blank out the small blanks on my cake. यहाँ पे क्या आएगा students, I के साथ shall. Tomorrow I shall blow out the, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, B L O W blow. So write down here B L O W blow out the small candles C A N D L E S candles on my cake. Number 9, then I shall cut the cake. I के साथ क्या आएगा students, shall, I shall cut the cake. Number 10, everyone will blank loudly and sing happy birthday to you. Students यहाँ पे क्या आएगा, विल और यहाँ पे क्लैप, सी एल ए पी क्लैप, एवरी वन विल क्लैप लाउडली एंड सिंग हैप्पी बर्थडे टू यू। नाउ पे अटेंशन ऑन नेक्स्ट पेज पार्ट ई, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ई वन, से द फॉलोइंग राइम्स आफ्टर योर टीचर। स्टूडेंट्स यहाँ पे राइम्स दी गई है और आपको मेरे साथ गाना है, ओके। This is the way I plant the seeds, plant the seeds, plant the seeds. This is the way I plant the seeds so early in the morning. Okay? Now,
यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन प्लेस ऑफ द फ्रेजेस इन रेड इन द राइम। यहाँ पे आपको जो रेड लाइन में दिया गया है और इसका यूज करके आपको सिंग करना है। ओके, सो लेट्स सिंग विथ मी। दिस इज द वे आई वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स। दिस इज द वे आई वाटर द प्लांट्स सो अर्ली इन द मॉर्निंग। देन दिस इज द वे आई रीप द व्हीट, रीप द व्हीट, रीप द व्हीट। This is the way I reap the wheat so early in the morning. This is the way I go to the mill, go to the mill, go to the mill. This is the way I go to the mill so early in the morning. This is the way I get the flour, get the flour, get the flour. This is the way I get the flour so early in the morning. This is the way I make the dough, make the dough, make the dough. This is the way I make the dough so early in the morning. This is the way I bake the dough, bake the dough, bake the dough. This is the way I bake the dough so early in the morning. This is the way I eat the bread, eat the bread, eat the bread. This is the way I eat the bread so early in the morning. Okay students, now exercise E2 sounds of English. Say the following pairs of words after your teacher. Students, you have to repeat these words after me. P-O-O-R, poor. P-U-R-E, pure. Poor, pure. T-O-U-R, tour. S-U-R-E, sure. Tour, sure. C-U-R-E, cure. B-O-O-R, bore. Cure, bore. Okay, students, now your homework is write this exercise C and exercise D of page number 47 and 48 in your English notebook. Thank you. Have a nice day.